नहीं देखिए, ये जो आज ये समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये समीक्षा इनको जब चुनाव हो रहा था और इंडिया गठबंधन के लोग लगातार आरक्षण और संविधान को लेकर के इनके ऊपर उठा रहे थे, अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा कर ली होती तो आज जो ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की स्थिति बनी है ये ना होती। हमने उस समय भी इन बातों को उठाने का काम किया था। हमने उस समय भी कहा था कि भारतीय इंडिया गठबंधन के लोग आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसका झूठ का और प्रपंच का माहौल बना रहे हैं। और झूठ और प्रपंच का जो माहौल इन्होंने बनाया उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का संगठन था, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उसको रोकने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाया, लेकिन पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में उनको सफलता मिली। उसका कारण ये था कि जो अगर ये समीक्षा कर लेती तो ये स्थिति नहीं होती, लेकिन आज समीक्षा कर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो जो वोट था वो वोट इंडिया गठबंधन का नहीं था, वो वोट एक भ्रामक प्रचार के कारण गया। वो अब देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ गया है कि ना तो संविधान पर कोई खतरा है, ना आरक्षण को पर कोई खतरा है, ये मनगढ़ंत बातें थीं। और अब ये जब उपचुनाव होगा तो उसमें आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा कि इंडिया गठबंधन का कोई जनाधार नहीं था, वो बाई चांस एक भ्रामक खबर के तहत जिसको लोग रोक नहीं पाए, पश्चिम में तो रुक गया तो वहाँ इनको सफलता नहीं मिली, बाकी जगह मिली, अब आगे नहीं मिलने वाली है क्योंकि काठ की हड़िया एक ही बार चढ़ती है। कार्यकर्ता तो किसी भी दल की रीढ़ होता है, कार्यकर्ता ही सत्ता में जाता है, कार्यकर्ता ही मंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है, तो कार्यकर्ता का तो सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा है कि हमारी सरकार इतने वर्षों से चल रही, हम लोग तो चलिए अब शामिल हुए हैं, हम अभी जल्दी शामिल हुए, लेकिन कार्यकर्ता का तो सम्मान होना चाहिए। अगर ये बात कहीं से उठ रही है तो कार्यकर्ता को तो कहीं ना कहीं समायोजित होना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि हम भी सरकार में। कार्यकर्ता से संगठन की बात उठती है और आज संगठन को लेकर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं। दिल्ली में जाकर उन्होंने ट्वीट भी किया कि संगठन सरकार के ऊपर होता है। अपोजिशन इस पे टाइमिंग पे सवाल खड़े कर रहा है, उसका कहना यह है कि अंदर खाने कुछ मामले सही नहीं चल रहे हैं, जिसकी इस ट्वीट से भी नजर आ रहा है। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का मसला है, भारतीय जनता पार्टी अपने किस तरह से कैसे संगठन चलाती है ये उनका विषय है, हम सहयोगी दल हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर संगठन के भीतर, कार्य समिति के भीतर कोई अगर संगठन की बात करता है कि संगठन जो है सरकार से बड़ा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, संगठन ही सर्वोच्च होता है। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम सरकार कैसे बनाएंगे। और जो भी आज केशव जी भी संग, मैं समझता हूँ संगठन के कार्यकर्ता की हैसियत से आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पर बैठे हैं तो कार्यकर्ता ही रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रहे होंगे, तो उनकी ये बात तो सत्य है कि संगठन सर्वोच्च है, संगठन को सम्मान मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। काफी सवाल है, आज सपा प्रमुख अखिलेश कार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार कमजोर पड़ गई है, इसलिए पहले जो शिक्षकों के साथ जो डिजिटल अटेंडेंस था उसके ऊपर उन्होंने टेम्परेरी रोक लगाई, और साथ में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी लखनऊ के कई इलाकों में उस पर इस वजह से रोक लगाई, क्योंकि सरकार कमजोर पड़ गई है, सरकार को बैकफुट किया। देखिए, सरकार जनता के लिए होती है, सरकार का काम तानाशाही करना नहीं है, ये एनडीए की सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है। जो भी वहाँ पर लखनऊ में कुकरेल बंधे पर जो नदी के शोधन के नाम पर नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए कुकरेल नदी को शुद्ध करने की बात चल रही थी, उसमें 35 मीटर तक का निशान लगाने को कहा गया था, अधिकारियों ने 50 मीटर लगा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात गई, उनको लोगों ने पहुंचाई, हम लोगों ने अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी से इस बात को कहा, तो सब जगह से बातें आई, मीडिया के लोगों ने भी खबर उठाई, विपक्ष के लोगों ने भी उठाई। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और उनको लगा कि ये हमारे अधिकारी कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि जो है ये किसी का मकान नहीं गिरेगा, अधिकारी क्यों गलत निशान लगा रहे थे, 50 मीटर के लिए जब नहीं निर्देश था तो 50 मीटर उन्होंने लगाने का, अब उनकी जवाबदेही तय होगी, जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा। तो सरकार जनता के लिए है, सरकार किसी की जिद में नहीं काम करती है। टीचर्स के लिए की बात आई, वो उन्होंने उनका 2 माह का समय दिया है,
कि भाई उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। तो इसमें विपक्ष अगर कोई लगता है कि सरकार कमजोर हो गई, अगर हम जनता के लिए जनहित में हमको बार बार जनता के सामने झुकना पड़ेगा तो हम झुकने का काम करेंगे। हमने जनता के लिए सरकार बनाई है, हम हठधर्मिता करने के लिए सरकार नहीं बनी। कहना ये कि बुलडोजर की कार्रवाई, इससे पहले भी जो अकबर नगर था उसको बुलडोज कर दिया गया, जो तमाम गरीबों की बस्ती थी, लेकिन वो सरकार इलेक्शन से पहले की थी, लेकिन अभी जो इलेक्शन के बाद जो परिस्थिति हुई उसमें अहंकार कहीं ना कहीं कम हुआ, जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई पे अब रोक नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं, हम लोग तो अब आए हैं, हम लोग तो अब सरकार के साथ आए हैं, लोकसभा चुनाव हम लोगों ने मिल करके लड़ा, दो सीटों पर हम चुनाव लड़े, बाकी जगहों पे हमने उनको लड़ाने का काम किया, तो हम लोग आए हैं। अब हम उनके जो भी निर्णय हो रहे हैं उनमें जहाँ कहीं भी हमें गलत लगता है, हमारी हम जो है उचित जगह पर उचित फोरम पर उन बातों को पहुँचाते हैं। लखनऊ में ये जो मकान गिराए जा रहे थे, ये बात हम लोगों ने अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी को बताई, और सरकार के मुखिया माननीय योगी जी खुद स्वयं संवेदनशीलता के साथ उसको उन्होंने गौर किया। तो अगर हम जनता के लिए जनता के हित में कुछ फैसले कर रहे हैं तो विपक्ष को इसमें क्या बुरा लग रहा। विपक्ष तो देखिए, दरअसल विपक्ष ये चाहता है, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का आंदोलन रहा हो, चाहे वो ये मकानों की समस्या हो, टीचर की समस्या हो, विपक्ष ये चाहता है, कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं, इनके गठबंधन के लोग चाहते हैं कि ये लोग सड़क पर बैठे रहें, इनकी समस्या का निदान ना हो और ये परेशान रहें। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के एनडीए के लोग चाहते हैं कि जनता खुशहाल बने, किसान खुशहाल बने, लोग खुशहाल बने, लोगों का घर द्वार बचा रहे, सुरक्षित रहे, और जिन लोगों ने गलत किया होगा वो दंडित होंगे।